चंद्रयान टू फेल होने के बाद चंद्रयान थ्री लगभग 4 वर्ष के बाद, आखिर क्यों है चंद्रयान थ्री मिशन भारत के लिए इतना खास, जानते हैं इस वीडियो में, बने रहे एंड तक। डेट 14 जुलाई 2023, जिस दिन चंद्रयान दोपहर को लॉन्च किया गया श्रीहरिकोटा से, जिसका लगभग खर्च 615 कोटी रुपए हुआ है, और जो लॉन्च के बाद 30 से 40 दिन में चंद्रमा पे दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करेगा, आखिर क्या करेगा लैंड करके। तो दोस्तों, चंद्रयान थ्री मिशन के साथ कई प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों को भेजा गया है, जिससे लैंडिंग साइट के आसपास की जगह में चंद्रमा के चट्टानी सतह की परत, चंद्रमा के भूकंप और चंद्र सतह प्लाज्मा और मौलिक संरचना की फिजिकल प्रॉपर्टीज जानने में मदद होगी, जिससे हमें यह पता चलेगा कि क्या मून हमारी ही धरती का टुकड़ा है जो बिग बैंग के दरमियान धरती से अलग हो गया था। इससे भारत पहला देश बन जाएगा जो बिग बैंग थ्योरी को प्रूव कर दिखाने वाला अर्थ और डार्क साइड ऑफ मून पे लैंड करने वाला, यानी दक्षिणी ध्रुव पर। क्या लगता है इसके बारे में आपको दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना। हम मिलेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।